नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। प्रो कबड्डी सीजन 8 में अभी तक 59 दिन के मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 60वें दिन के मुकाबले खेले जाएंगे। आज फैंस को ट्रिपल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे और ये ग्रुप स्टेज का आखिरी दिन भी है। इसके बाद शुरू होगी प्लेऑफ की जंग, जिसके लिए 6 टीमों के बीच टक्कर होगी, जिसमें 2 एलिमिनेटर मुकाबले 21 फरवरी को खेले जाएंगे तो सेमीफाइनल मुकाबले 23 फरवरी को होंगे और खिताबी जंग होगी 25 फरवरी को। आज फैंस को एक से बढ़कर एक 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे और ट्रिपल हेडर का दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स और यू मुंबा के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों ही टीम के लिए ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा। यू मुंबा की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है और आज टीम जीत के साथ सीजन का अंत करना चाहेगी। यू मुंबा ने सीजन में अभी तक 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को केवल 7 मुकाबलों में ही जीत मिली है। बाकी 9 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है और 5 मुकाबले यू मुंबा ने सीजन में टाई खेले हैं, जिसके चलते टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। दोनों टीमों के बीच इस सीजन में ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच शानदार टक्कर देखने को मिली थी और 40 मिनट के खेल के बाद मुकाबला टाई पर ख़त्म हुआ था। ऐसे में फैंस एक बार फिर बराबरी के मुकाबले की उम्मीद करेंगे। बात करें प्रो कबड्डी इतिहास की, तो प्रो कबड्डी इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 9 मुकाबलों में से गुजरात की टीम ने यू मुंबा को 5 बार हराया है, तो 3 मुकाबलों में यू मुंबा की टीम की जीत हुई है। बाकी 1 मुकाबला दोनों टीमों के बीच प्रो कबड्डी इतिहास में टाई भी खेला गया है। ऐसे में दोनों ही टीम ग्रुप स्टेज का अंत जीत के साथ करना चाहेंगी और फैंस एक और बराबरी का और टक्कर का मुकाबला देखना चाहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।